दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीधी हादसे से पूरा देश स्तब्ध हो गया है। सभी ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से देश के राष्ट्रपति से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता तक लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं। वहीं प्रदेश में आज से नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सभी यात्रा के दौरान सतर्क रहें तथा ग्रामीणों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। तो जानते हैं सभी खबरें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह हादसा इतना भयंकर हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं वीडियो में यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से यह जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको जानकारी देने की। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है ट्विटर के माध्यम से। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है सीधी हादसे को लेकर के। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं और 2-2 लाख रुपए की उन्हें सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह जानकारी दी है। वहीं अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वे भी बड़े दुख थे, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। उसके बाद ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है। उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है ट्विटर के माध्यम से। पूरा देश स्तब्ध है और सभी की प्रतिक्रिया आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के नेता राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। मैंने भी अपने तरफ से ट्विटर पर यह जानकारी दी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहन शक्ति दे। वहीं पर अब बड़ी प्रक्रिया चलेगी। प्रदेश में यात्री बसों के जांच के लिए अभियान चलेगा। परिवहन मंत्री ने खुद जानकारी दी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बुधवार को उन्होंने अपर मुख्य सचिव से यह जानकारी ली और चेकिंग अभियान तुरंत शुरू करने की बात कही है। तो अच्छी बात है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर चलाए जाने वाले 7 दिवसीय अभियान में संचालित यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस के बारे में जानकारी ली जाए और गलत पाए जाने पर उन पर तत्काल एक्शन लिया जाए। आप भी कहीं यात्रा करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी ज़्यादा लोडेड बसों पर न बैठें। यदि यात्रियों की संख्या सीट की संख्या से ज़्यादा होती है तो आप तत्काल उस ड्राइवर को कहें और मना कर दें, अन्यथा इस प्रकार से हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं पूरा मामला, पूरा वीडियो लाइव। उनसे छुटकारा दिलवाना उसका उपाय है। 2004
लाल साइज रोड बनी थी, बीच बीच में 17 तक मेंटेनेंस होता रहा, फिर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण वहां से ट्राले और मुझे तो पता है 100-100 पहियों के भी जो इंडस्ट्रियल वाहन है वो भी वहां से गुजरते हैं। आज रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी और आए हुए, बाकी इंजीनियर्स वगैरह सारे आ रहे हैं, रात तक पहुंच जाएंगे, वो देख के उस रोड को कैसे ठीक करना तात्कालिक रूप से उसका काम प्रारंभ करेंगे, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या उसका हो सकता है वो जो मैंने प्रारंभ में बताया उसका इंतजाम करेंगे। इस दौरान कोई और वैकल्पिक रास्ता खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड को ठीक करना है तो ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा, बिना ट्रैफिक बंद किए रोड का मेंटेनेंस नहीं हो सकता, और हैवी ट्रैफिक है, इसलिए विभाग तय करेगा, लेकिन 6 घंटे एक तरफ से बंद करके फिर 6 घंटे दूसरी तरफ से बंद करके एक व्यवस्था वो बना रहे, इसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से हो जाए इसका इंतजाम किया जाएगा, और एक वैकल्पिक रोड भी हम जल्दी तैयार करेंगे, खुदी एक गड्डी रोड, उसके लिए मैंने निर्देश दिए, और एक और जो सुझाया है जिगना से भरतपुर उसके भी हम निर्देश दे रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक जाम था तो जवाबदारी किसकी थी? स्वरोजगार की और योजना बनाएंगे, ग्रामीण पद विक्रेता तो चलेगी, इसके अलावा और योजना बनाएंगे, समूहों को और ताकतवर बनाएंगे, और एक काम करना है, एक जितने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता है उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको आइडेंटिटी कार्ड देना है, पहचान पत्र देना है सबको, ये काम आपको करना है ग्रामीण विकास विभाग। अरे हम भी कुछ है, दस्त कमाते हैं, हमारा पहचान पत्र होगा आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन के बाद ये पैसा दिलाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और एक काम और मैं सोच रहा हूं, काम धंधे के लिए अगर थोड़ी ट्रेनिंग और मिल जाए, प्रशिक्षण और मिल जाए, तो अभी तो हम करते ही हैं, हमारा काम और निखर जाए, तो ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ट्रेनिंग देने का भी अभियान शुरू करना है आपको, ताकि हम और बारीकियां समझा सके कि कैसे आपका काम धंधा चल सकता है, बढ़ सकता है, इस अभियान को भी शुरू करना है। शहर हो, गांव हो, कस्बे हो, गरीबों को भी इज्जत से जीने का हक है, वो इज्जत के साथ जिए, ये पहचान पत्र होगा तो कोई परेशान ना करे, इसका इंतजाम किया जाए। हमारे गांव में रहने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले गरीब पथ विक्रेता या छोटी सी गुमटी में चीजें बेचने वाले, एक पन्नी डाल के अपना सामान बेचने वाले भाई और बहनों को अगर थोड़ी राशि मिल जाए, ऐसी राशि जिसको उनको ब्याज ना देना पड़े, तो उनकी आजीविका की गाड़ी भी ढंग से चल जाए, इसी विचार को लेके हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की, ताकि कोरोना काल में जिनके रोजगार काम धंधे छिन गए थे ग्रामीण क्षेत्र में, उनको भी काम धंधा मिल सके। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शहरी पथ विक्रेता योजना उन्होंने प्रारंभ की थी, उसका विस्तार करके हमने ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई, और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 1,10,000 ग्रामीण छोटा छोटा काम धंधा करने वाले बहनों और भाइयों को
किए, 10-10 हजार रुपए की राशि मिल गई, जिससे उनका काम धंधा चल पड़ा है। ये योजना लगातार आगे जारी रहेगी। और अब हमने ये भी विचार किया है, इस योजना का विस्तार करके हम और कहीं, ये योजना तो चलेगी, और योजनाएं ऐसी प्रारंभ करें जिससे हम बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार से काम धंधे से लगा सके। आज 40 हजार ऐसे ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ये 10-10 हजार रुपए की राशि प्रदाय की गई है, ब्याज सरकार भरेगी और किस्तों में इनको लौटाना है। लेकिन जैसे ही लौटाएंगे 10 हजार के बजाय इनको 20 हजार मिलेंगे, ये 20 हजार लौटाएंगे तो 20 हजार के बाद फिर उनको 50 हजार मिलेंगे। और छोटे काम से धीरे धीरे आजीविका चलाने के लिए बड़ा काम भी कर पाएंगे। मैं सभी ग्रामीण पथ विक्रेताओं को बधाई देता हूं और बैंकर्स को धन्यवाद। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। मैंने कल भी कहा था कि आप सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन काफ़ी कम कमेंट आए हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं, देश के अन्य लोग भी इस प्रकार से अपने कमेंट करके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करके उनकी आत्मा को शांति के लिए एक लाइन वाक्य लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करिएगा। समय नहीं दे सकते, 2 मिनट का मौन नहीं कर सकते, लेकिन एक लाइन कमेंट करके भगवान को याद दिला सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस प्रकार से यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।